आराम नाल नहीं नहीं अभी रुको। और जनाब ये सोलर के फ्रेम के लिए चैनल लेके जा रहे हैं वो मस्तब भाई, ये माद अब पीछे काले हाथ ला पत्तो है। और यार कुर्सियां इनका क्या करे दरा रेड़ा जनाब काम कर रहे हैं। अभी हम बना रहे हैं सोलर का फ्रेम जबरदस्त किस्म का वो बनाते हैं बाजारी पर, आपको माइनर सा ब्रीक सा था वो 20K होता है जो आपको सस्ता दे रहे हैं, जो महंगा वो उसकी कीमत इतनी ज्यादा है। और वो होता कितने का है 12-14 हजार रुपए का, 3 प्लेट हो जाएगा या 2 प्लेट का। और जनाब पहले हमारा प्रोग्राम था कि हम जो है ना फ्रेम बड़ा पाइप 4 इंच बाई 2 इंच का पाइप लेके आए उसका बनाए। तो फिर अब जब हम पाइप वगैरह लेने गए, संडे का दिन था तो शॉपें भी बस 1-2 खुली थी, ये बच्चे प्लेटें ऊपर 1-2 ले आए थे साइज़ वगैरह चेक करने के लिए। तो जब हम उधर पाइप लेने गए ना तो वहाँ पे हमने देखा है ये चैनल हमें बड़ा पसंद आ गया, ये 3 इंच चौड़ा था और 2.5x1.5 का इसका जो ऊपर वाला कॉर्नर था और 1.25 सूत्र मोटा इसकी गेज थी और बड़ा फिट और वजनी नज़र आ रहा था। तो उससे पहले तो हमें प्लेटें जहाँ लगानी थी ना उसकी फिटिंग की कोई सही रेंज जगह नहीं बन रही थी, लाइन में लगाते थे फिर वो हमारी ज़्यादा आगे निकल आती थी प्लेटें। तो इस तरह इस जगह पे बड़ी प्यारी फिटिंग बन रही थी, जब हमें पैद चैनल नज़र आया ना ये डिसाइड किया कि चलो इसको जैसे ट्राली की गाटरियाँ वगैरह होती है ना उस तरह डालते ऊपर पाइप लगा के छोटी तरह उसकी जो है ना वो लगा देंगे प्लेटें। तो फिर वो हमने प्लेटें ऊपर फिट कर दी तो बड़ा ज़बरदस्त रहा है। तो अभी अब अंदर नहीं आ गया ज़्यादा इधर पारी नहीं है माल भाई की होगी जी, मोए मोए पंखा लेके जनाब बना लिया है, अब ऊपर लेके जाने का मिशन स्टार्ट हो गया, अब देखते हैं कैसे चलाते हैं। वो माल भाई दिखाएंगे तारे तुरे, मैंने कहा खोलो ऊपर से खोल के तो फिर इसको सारे जितनी भी कबीले है ना हमारी सब इंशाल्लाह से हिम्मत मार के तो अल्लाह का नाम लेके पड़ जाएंगे। ये फ्रेम माशाल्लाह से बड़ा हैवी जाते वो बड़ा ट्राला था ना बना लिया बड़ा, तो अभी ऊपर लेके जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं ऊपर। और अभी टाइम था ऊपर लेके जाने का फ्रेम, तो मैंने मसब भाई को बोला माज भाई को यार सारी जो तारे वगैरह है ना वो हटा दो क्योंकि वो फ्रेम बड़ा है ऊपर लेके जाते हुए डिस्टर्ब होंगे। तो फिर यहाँ पे हम सब इकट्ठे होके ना तो ऊपर लेके जा रहे थे तो सब बच्चे काफ़ी जज्बे के साथ शौक के साथ कर रहे थे, वो ऊपर से तारें हटाई है ना तो अब कहीं वो जंगला जो है ना कहीं फंसा नहीं है, अब बड़ी आसानी से चला गया। तो पहले ही हम ये ठा के ऊपर वाली छत पे लेके जाएंगे जहाँ पहले वाली सोलर प्लेटें लगी हैं उनके पास फिर उसके ऊपर रख के तो फिर इसको हमने दूसरी तरफ लेके आना है जो खाली गैप वाला एरिया ना उधर। तो ये हल्का ही था ऐसे इतना वज़न नहीं बना इसका, बड़ा आसानी से ऊपर ले गए हैं, जेन बना हुआ था काफ़ी वज़नी होगा बहुत मुश्किल होगा, लेकिन जब बच्चे सब जोश में थे जज्बे में थे कि नई प्लेटें लगेंगी देखेंगे कैसी लगती हैं। यहाँ पे फिर हमने क्या किया इसके नीचे एक बांस रखा है जो उस छत के ऊपर चला गया था सामने वाली छत पे, तो फिर इसको हमने आगे किया तो ये अपनी जगह पर जा बैठा है बड़ी आसानी से चला गया। मुश्किल आई है एक जगह पे वो भी आपको दिखाता हूँ, बहुत मुश्किल आई है और अल्लाह पाक हिम्मत इंसान को देता है, जब मुश्किल आए तो फिर सब्र के साथ काम करें ना तो कुछ नहीं होता, अगर आप जज्बाती हो जाएंगे हौसला हार जाएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगी। इस जगह पे मैं वो पाइप के अंदर आ गया फिर उधर से मैं बाहर निकला हूँ तो एक फ़नी सीन हो गया था और तो कुछ नहीं है। तो यहाँ पे जो है ना फिर हमने वो फ्रेम वापस उठाया क्योंकि हमने पहले साइज चेक करना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा शुक्र है जी, आज प्लेटों की फिटिंग बना रहे हैं साजद साहब, साजद की बड़ी मेहरबानी, इसका तरला मारा था कि यार आज इतवार है आज जो है ना हमारी ये कर दे फिटिंग शिटिंग, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा। नीचे तो हमने पूरी पमैच वगैरह लेके बनाया था फ्रेम, अब यहाँ पर इसका फिजिकली फिटिंग देख रहे हैं बहुत अच्छी फिटिंग आ गई है, टेंशन थी कि पता नहीं यार ये फिटिंग में कोई मसला ना आए, तो जिस जगह की पमैच ली थी और फ्रेम की पमैच करके बनाया था ना फिजिकली बड़ा फिट आया उसके। ये हमारी पहले लगी हुई है अब वो नहीं लगा रही,
तो गाइस हम सोलर प्लेट लगा, जैसे आपको पता होगा, ये देखें साजी चाचू वो मैंग रखा हुआ है इधर, लगे सोलर प्लेट गाइस देखें, और सोलर प्लेटें भी आ गई हैं, ये देखिए एक और आ गई सोलर प्लेट, ये मास भाई मस्त भाई लगा के आ रहे हैं, अब्दुल्ला भाई साथ हैं, साइड ये सीधी साइड है, वो बैक साइड थी पिछली वाली, ये फ्रंट साइड है, अब आप बहुत तेज है, एक साइड ये हमने लगाई थी, ये भी चाचू की व्लॉग में देख लेना आप, इसकी बैक साइड नहीं है, उसकी बैक साइड है, ये देखिए इसकी बैक साइड वाइट है सारी, ये देखिए जरा बादल भी बहुत तेज है, हवा भी बहुत तेज है, ये देखिए सोलर प्लेट ये लगाई, बहुत मुश्किल काम था ऊपर ये नहीं है, बहुत मुश्किल से आई यहाँ से, चार रुपए की वजह से ऊपर मास भाई, आचू बोलो भाई, ये देखिए हमने ये स्पोर्ट लगा दिए यहाँ पर, मामू बनाए करना, मामू चंगी तरह पक्का कर दे, मामू पीछे करके पक्का। और जब मैं ये ऊपर वेल्ड कर रहा था तो यहाँ पे हवा बहुत तेज चल रही थी, डर ही लग रहा था, और ऊपर से वो जो छत है ना वो भी एक सेंटर में ही है, चारों साइड से कुछ भी नहीं है शायद उस वजह से, और इधर मुझे वेल्ड करते हुए सबसे डर क्या लग रहा था कि यार मैं उतरूंगा कैसे, उतरूंगा कैसे, सीढ़ी जो थी ना वो बहुत टूटी हुई थी तो वहाँ से मैं नहीं उतर सकता था, फिर मैं साथ वालों की छत पर जाके उतरा, एक मरतबा मैं सीढ़ी से गिर गया था ना, मैं डरा हुआ हूँ सीढ़ी से, सोलह प्लेटें बड़ी मुश्किल से ऊपर ले आ चुकी हैं, और मैं साथ वालों की छत पे गया हूँ, ऊपर सर के इधर तो आया हूँ, यहाँ से आए गाइस, पहले यहाँ से यहाँ पर आए हैं मार के, फिर यहाँ से ये इंटर लगाई, फिर यहाँ से ऊपर चले गाइस, शाम हो गई है, ये देखो काफ़ी यानी कि नेड़ा हो गया है, और जनाब ये फ्रेम अब हम ना बिल्कुल पिछली छत पे ले आए थे, और ये माशाल्लाह से फर्स्ट प्लेट रख के लगा रहे थे, तो इधर काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जो फ्रेम जो हमने बोल्ट बनाए थे ना उनमें प्रॉब्लम थी, उनका साइज थोड़ा सा टाइट था, उनको खुला किया है, क्योंकि हमने इधर से बोल्ट वगैरह फिटिंग ली थी, अगर हम लाते ना ब्रंथ रोड वगैरह से या उधर से तो वो अच्छी क्वालिटी की और अच्छी ले आते, वो ज़्यादा बेस्ट था, तो या टाइम होता तो ख़ुद भी अपनी फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर कर सकते थे, कर लेनी थी, वो ज़्यादा अच्छी बननी थी, उनकी फिटिंग का रिज़ल्ट भी अच्छा था। और इसमें क्या हुआ कि हमने एक प्लेट को ही चेक करके उसका साइज़ वगैरह किया, तो बाकी प्लेटें जो थी ना तीन प्लेटों के डबल डबल सराख था, और तीन जो प्लेटें थी ना उनमें सिर्फ सिंगल सिंगल सराख था, वो उस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है। फिर अब हमने क्या किया कि इसके जो यू वेल्ड किए करके बनाए थे ना उनकी बैक के ऊपर हैम्बर के साथ चोट लगाई ना, वो आगे से उसका साइज़ जो है वो ठीक हो गया था, तो इधर हमने बहुत इजी होकर फिटिंग करके फिर आगे लेके यहाँ पे अब हम आगे लेके जाएंगे, बड़ी मुश्किल से बड़ा टफ था। थोड़ा बांस खिंचो, बांस ही खींचा जा रहा है इधर, कैट खिंचो
लोहे की शीट ना रख दिए आवे पईयां किन्नियां ओह खोबदियां ना विच ते शीट और जनाब काम हमने कर लिया, अब हमें जनाब दावत मिल गई है, खाना खा रहे हैं और मजा आ गया। सब बच्चों ने बड़े जज्बे के साथ काम किया है। तो आप लोगों की टीम ऐसी ही हो ना तो फिर इंसान कामयाब होता है। के साथ हमारा एक छोटे से बड़े से बच्चे ने भी हिम्मत के साथ काम किया है। तो आप लोग भी जब काम करें अपनी टीम को जज्बे के साथ और हलाशेरी दे के रखे, जज्बे वाली होनी चाहिए। और ये देखें कि ऊपर से बड़ा मुश्किल था आने का, आगे हमने इसमें पहले भी नीचे एक बड़ा सारा बांस रखा, फिर फिटिंग करती इस जगह पे, फिटिंग करनी बहुत मुश्किल थी। वो बैक साइड पे दिखा रहे, वो बैक साइड पे हमारे बहुत बड़ी वेंटिलेशन है, गहराई है वहाँ से, वो बहुत हाई थी। इस जगह पे गोड़ापड़ी लगा सकते हैं। तो अभी हम खाना लगे हैं, खाना लौटा करते हैं। अल्लाह हाफिज, बकाया जो काम है वो सुबह अगले ब्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज।